Hello friends, how are you? Today we read about the romantic age. तो dear friends, आज हम romantic age के बारे में कुछ अनोखा देखेंगे और जानेंगे, ठीक है? देखिए, the romantic age with starts lyrical ballad in 1798, यानी कि romantic age दो थी हमारी, वो लिरिकल बैलेट के साथ 1798 में शुरू हुई थी, ठीक है? अब देखिए, रोमांटिक पोइट्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन आर, यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन के जो रोमांटिक पोइट थे वे कौन थे? तो देखिए, वो हैं विलियम बडसवर्थ, एसटी कॉलरिज, यानी कि सैमुअल टेलर कॉलरिज, वाल्टर स्कॉट और रॉबर्ट साउथे। ये सब क्या है हमारे, ये सब रोमांटिक एज के फर्स्ट जनरेशन के पोइट हैं। अब देखिए, रोमांटिक एज के जो हैं सेकेंड जनरेशन के पोइट, यानी कि रोमांटिक पोइट्स ऑफ सेकेंड जनरेशन आर, यानी कि सेकेंड जनरेशन के जो रोमांटिक पोइट हैं वे हैं बायरन, कीट्स और पीवी सैली। अब देखेंगे हम कुछ रोमांटिक पोइट के बारे में और कुछ जानेंगे। अब देखिए, विलियम बडसवर्थ इज ए नेचर पोइट। जो रोमांटिक पोइट हैं विलियम बडसवर्थ, वो किसके पोइट हैं? नेचर के पोइट हैं। और सैमुअल टेलर कॉलेज, यानी कि एसटी कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलेज इज ए सुपर नेचुरल पोइट। और देखिए, जो सैमुअल टेलर कॉलेज हैं वो एक सुपर नेचुरल पोइट है। नेक्स्ट आपका जॉन कीट्स, द पोइट्स ऑफ ब्यूटी। अब देखिए, रोमांटिक पोइटों में जो है जॉन किट्स द पोइट्स ऑफ ब्यूटी, सुंदरता के कवि कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका पीवी सैली, यानी कि पर्सी वर्सी सैली, द पोइट्स ऑफ रिवॉल्ट। अब देखिए, जो पीवी सैली हैं वो और जो रोमांटिक एज के पोइट हैं वो रिवॉल्ट पोइट कहलाते हैं। पीवी सैली द पोइट ऑफ रिवॉल्ट, ठीक है? तो डियर फ्रेंड्स, आप इस रोमांटिक केस के बारे में अच्छी तरीके से जाने और इसे आप अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करें और लर्न करें। ओके, बाय।